स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है कि थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी, ए है यहाँ, बी है और यहाँ सी है, मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 बाई पाई मीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस है 1 बाई पाई मीटर और ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहे हैं। ए का स्पीड है 1 मीटर प्रति सेकेंड और बी का स्पीड है 2.5 मीटर पर सेकेंड, सी का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है इनिशियल पोजीशन ऑफ ए बी सी अगर दिया हुआ है तो आप बताइए रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी अपॉन सी बाय द इंस्टेंट ए बी सी मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखो, जब मान लो कि ये पार्टिकल्स जब घूम रहे होंगे, तो सपोज करो कि यहाँ पर आने के बाद सारा मिल गया, मतलब ए यहाँ पहुँच गया है, बी यहाँ पहुँच गया, सी भी यहाँ पहुँच गया। सपोज करो कि यहाँ जाने के बाद तीनों पार्टिकल्स आपस में मिल चुका है। एक मिनट, तो इस पॉइंट पे जाने के बाद तीनों पार्टिकल्स मिल चुका है क्योंकि ए धीरे धीरे चल रहा है। उसके बाद अगर बी का स्पीड देखेंगे तो 2.5 है और अगर सी का स्पीड देखेंगे तो 2 है। तो सपोज करो कि घूमते 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 कहीं किसी एक पॉइंट पे इस तरह से ए बी सी और आपस में तीनों मिल गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी जो है वो कितना है यहाँ से ले करके यहाँ तक। तो सपोज करो कि ये एंगल ट्रेवल्ड बाई बी है थीटा बी, और एंगल ट्रेवल्ड बाई सी जो है वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और वो है थीटा सी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी ये वाला होगा, ठीक है। तो रेशियो हमको बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सी, इसको लिख सकते हैं हम आर थीटा बी अपॉन आर थीटा सी। तो आर और कट गया तो थीटा बी अपॉन थीटा सी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थीटा जो होता है वो एक्चुअल में ओमेगा इंटू टी होता है, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा जा सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर थीटा बी की जगह लिख देंगे ओमेगा बी इंटू टाइम टी, और थीटा सी की जगह लिख देंगे ओमेगा बी सी इंटू टाइम टी। टाइम दोनों का सेम होगा, सेम टाइम पे मिलेगा दोनों, सो ओमेगा बी अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। एक फॉर्मूला और होता है वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो ओमेगा की जगह पर वी बाय आर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन आर और ओमेगा सी की जगह वेलोसिटी ऑफ सी अपॉन आर, क्योंकि रेडियस सेम है, आर आर कट गया। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन वेलोसिटी ऑफ सी। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है यहाँ पर 2.5 और वेलोसिटी ऑफ सी कितना है 2। इसका डेसिमल गया 10 आया, 5 से 5 बार में और 5 से 2 बार में, तो ये आ जाएगा 5/4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।